Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Krishna. So we are going to see the summary of this chapter 5. Jiska shirshak hai Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. So this jo chapter is divided into four parts aur isko acronym diya gaya hai STEP, STEP. So S stands for Stay in the World. और ये है श्लोक संख्या 1 से लेके 12 तक. और उसके बाद में आता है टी स्टैंड्स फॉर 3 डूअर्स. तो वो है श्लोक संख्या 13 से लेके 16 तक. और ई स्टैंड्स फॉर इक्वल विजन विच इज कवर्ड अंडर श्लोक 17 to 26. एंड पी स्टैंड्स फॉर पीस. पीस मीन्स PEACE. पीस विच इज श्लोक नंबर 29. तो इस तरह से इस जो है चैप्टर का विभाजन किया गया है. STEP. S stands for stay in the world, श्लोक संख्या 1 से लेके 12. T stands for 3 doers, यानी 3 कर्ता, श्लोक संख्या 13 से लेके 16. E stands for equal vision, यानी समान दृष्टि, और ये है श्लोक संख्या 17 से लेके 26. और P stands for peace, यानी शांति, ये है श्लोक संख्या 29. तो अभी जो ये एस यानी स्टेप, तो उसमें अर्जुन जो है अभी भी भ्रमित है. ये जो श्लोक संख्या 1 से लेके 12 के अंदर जो मतलब बताया गया है उसको संक्षेप में बताया गया. एस यानी स्टेप जो इसके अंदर बता रहा है, एस स्टैंड्स फॉर स्टे इन द वर्ल्ड. तो अर्जुन अभी भी भ्रमित है. कृष्णा के चैप्टर 3 में व्याख्या के बाद भी अर्जुन मानते हैं कि कर्म और त्याग दो अलग पथ हैं. तो कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में काम करता है वह स्वतः ही त्याग के मंच पर पहुंच जाता है. और यदि कोई धर्म के संलग्न होकर अपने कर्मों के फल को भगवान को भेंट करता है और उसका लक्ष्य परम सत्य से हटता नहीं, तो ऐसा कार्य जो है, ऐसा कर्म जो है, जो पूजा कहलाता है. अधिकांश लोगों के लिए त्याग समय से पहले जो है हानिकारक होता है. जब मतलब समय आया नहीं, उससे पहले उनको जो है त्याग करना है, बाद में देखो तो फिर उनका पथभ्रष्ट होता है. तो इस प्रकार कर्म योग का मार्ग आध्यात्मिकता का एक प्रगति साधन प्रदान करता है. दुनिया में रहकर आध्यात्मिक प्रगति करना कमल के, फिर वहां पर एक एग्जाम्पल आता है कि कमल के पत्ते की तरह जो चारों ओर पानी से घिरा होने के बाद भी सूखा रहता है. तो यहाँ पर मतलब जो है स्टे इन द वर्ल्ड बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप पानी में रहते हो भी कैसे सूखा रह सकते हो. तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दिस इज कवर्ड अंडर स्टे इन द वर्ल्ड, श्लोक संख्या 1 से लेके 12 तक. उसके बाद में आता है टी स्टैंड फॉर मतलब जो है, जैसे मैंने 3 डूअर्स, तो कृष्णा यहाँ पर बताते हैं श्लोक संख्या 13 से लेके 16 तक के अंदर कृष्ण बताते हैं कि जो किसी भी गतिविधि में 3 कर्ता हैं, वो है आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति. तो इनके बारे में जो है कृष्ण बताते हैं, ये श्लोक संख्या 13 से लेके 16 तक. उसके बाद में आता है इक्वल विजन. तो इक्वल विजन ये समान दृष्टि, ये है श्लोक संख्या 17 से लेके 26. क्योंकि परमात्मा हर जीव में वास करते हैं, इसलिए उन्नत जो आत्मवादी होते हैं वो हर जीव को भगवान के मंदिर के रूप में देखते हैं. इस प्रकार हर जीव को सम्मान दिया जाता है, उनको जो है रिस्पेक्ट दिया जाता है. अलग शरीर देह भिन्न प्रकार के गुणों के अनुसार जो उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के अनुसार जो है, मगर उन्नत जो आत्मवादी होते हैं वो उन सबों को आध्यात्मिक गुण के हिसाब से देखते हैं. तो ये बताया गया है इक्वल विजन के अंदर. और यहाँ पर
एक श्लोक आता है, उसमें बाद में इसके बारे में चर्चा करते हैं, और उसके बाद में आता है पी, पी स्टैंड्स फॉर पीस, जो श्लोक संख्या 29 में बताया गया है। तो ये चैप्टर हमारे इस संसार जो कि मतलब स्थाई प्रकृति का है, यानी उस पर जोर देता है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। अंत में विभिन्न वस्तुओं से जो आसक्ति, भय, असुरक्षा और जो संघर्ष पैदा करती है, जितनी भी जो चीजें हैं विभिन्न वस्तुओं के साथ में जब हमारी आसक्ति होती है तो उससे क्या क्या उत्पन्न होता है, तो भय, असुरक्षा और संघर्ष ये पैदा करती है। हमारे संबंध, हमारी इच्छाएं बदल रही हैं, मतलब जी जितनी भी हमारे संबंध हैं, हमारी इच्छाएं हमेशा चेंज होती रहती हैं, दे गो ऑन चेंजिंग। तो दिलचस्प बात यह है कि आंतरिक शांति से बाहरी शांति प्राप्त होगी, यानी अंदर की जो शांति है, अगर हम अंदर से अंदर अपने हमारे अंदर जो शांति हमको जब मिलेगी तो आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो शांत लगेगी। अगर हमारे अंदर ही जो है कुछ असमंजस है, कुछ तकलीफें हैं, कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं, तो हमको आसपास की दुनिया के अंदर कभी भी जो है रस नहीं आएगा, रास नहीं आएगा। तो बाहर अगर आपको शांति चाहिए तो हम आपके अंदर जो है शांति को उत्पन्न कीजिए। तो इस तरह से ये जो चैप्टर संपन्न होता है, STEP, S stands for stay in the world, of the world, जो है श्लोक संख्या 1 से लेके 12। उसके बाद में T stands for three doers, 13 से लेके 16। E stands for equal vision, 17 to 26। And P stands for peace, श्लोक नंबर 29। तो यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो आती है, यस दिस वन। तो इसमें श्लोक संख्या जो 5.7 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसके अंदर जिसका मैं जरा थोड़ी डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। तो क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु लिव्स इन द वर्ल्ड बट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि वो आदमी कैसे रहता है। तो भगवद गीता 5.7 टेल्स दैट थ्री थिंग्स एंड यू कैन लिव एनीवेयर, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो तीन चीजें जो है आपको करनी है जिसकी वजह से आप जो है दुनिया के किसी भी जगह पर किसी भी स्थिति में आप रह सकते हो। तो तीन चीजें अपने आप को करनी है, उन तीन चीजों के अंदर हमको निपुण होना है। तो हमको बनना है विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा और जितेंद्रिय। तो विशुद्ध आत्मा कैसे बना जा सकता है, तो बोला विशुद्ध आत्मा बनने के लिए आपको आपका इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि को तीव्र करना पड़ेगा। तो हाउ यू कैन मेक द बुद्धि तीव्र, हाउ यू कैन मेक द इंटेलिजेंस शार्पर, तो बोलते हैं दैट यू कैन डू इट विद द बाय गोइंग थ्रू द स्क्रिप्चर्स इन डिटेल्स। यानी आपको रीड नहीं करना है, आपको स्टडी करना है। तो आपको स्क्रिप्चर्स जो है वो स्टडी करोगे और ध्यानपूर्वक स्टडी करोगे तो आप जो है विशुद्ध आत्मा हो जाओगे, यानी आपका इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगा। यानी विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है कि इसको आपको इंटेलिजेंस को शार्प करना है। उसके बाद मतलब विजित आत्मा, विजित आत्मा यानी कि कंट्रोल ऑन अवर सेल्स, यानी हमारी जो भी हमारे अंदर अवगुण है, हमारे अंदर जो भी कामनाएं हैं, जो उनको सबको हमको कंट्रोल करना है। तो वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो विजित आत्मा को मतलब विजित आत्मा बनने के लिए आपको जो है आपके मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो उसको जिसका उदाहरण दिया जाता है कि अगर आपको मतलब आप कहीं पर जाते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल जितने भी डॉक्टर्स हैं अभी ये पेंडेमिक के टाइम पे जब जाते हैं तो दूसरों को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो अपने आप पहले वैक्सीनेशन लेते हैं। वो वैक्सीनेशन लेने के बाद में वो जाते हैं वहां पर ताकि उनके ऊपर जो है हमला ना हो, तो अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तो उसी तरह अगर हमको जो है क्या बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर बताते हैं हमको विजित आत्मा बनना पड़ेगा। विजित आत्मा बनने के लिए हमको हमारे माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये जो है उसके बाद में ये कैसे संभव है, विजित आत्मा कैसे संभव है, तो प्रैक्टिसिंग ऑफ चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र और आपको साधना, आपकी साधना के अंदर आपको बहुत जोर देना पड़ेगा। अब जब साधना आपकी जोरदार होगी, आपकी पावरफुल साधना होगी, तो आप विजित आत्मा बन जाओगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, जब आपने प्रयास किया है अपनी जो माइंड को कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसको माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करते रहोगे सतत साधना के द्वारा। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको आपके सेंसेस को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए कहा है जितेंद्रिय, यानी इंद्रियों के ऊपर जीतना है हमको। तो जितेंद्र कंट्रोल ऑफ सेंसेस, तो सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सेंसेस दे ट्राइंग टू रिस्ट्रेन द सेंसेस, ये संभव नहीं है। तो हमको क्या करना है कि सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए हमको
हमारी जो जितने भी सेंसेस है उनको हमको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसा करने से हमारी जो और ऐसा कैसे संभव है, अपनी इंद्रियों को कैसे मतलब जो है हम लोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, यानी ये सेवा के द्वारा, यानी जितने भी स्पिरिचुअल जो सेवाज हैं उनको हमको लेना है, और वो सेवा जब हम करेंगे विनम्र भाव से तब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका भी रिवर्स में ऐसे हो जाएगा कि आपने सेवा की तो आपकी इंद्रिया कंट्रोल हो गई, आपकी इंद्रिया कंट्रोल हो गई तो और उसके साथ में आपकी साधना जो है घनिष्ठ हो गई, साधना कंट्रोल हो गई, साधना स्ट्रांग हो गई। तो जैसे साधना स्ट्रांग हो गई तो आप विजित आत्मा बन गए, और विजित आत्मा बनने के बाद में और आपने शास्त्रों का अध्ययन किया तो आप जो है विशुद्ध आत्मा बन जाओगे। और ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो आपने अगर शास्त्रों का अध्ययन किया तो आप जो है विशुद्ध आत्मा बन जाओगे, और शास्त्रों से आपको ज्ञान मिलेगा कि आपको साधना कैसे करनी है, और साधना करने से आप जो है आपके जो इंद्रियों का कंट्रोल हो जाएगा। तो इधर वेज यू स्टार्ट फ्रॉम विशुद्ध आत्मा टू जितेंद्रिय और जितेंद्रिय टू विशुद्ध आत्मा, दिस इज द प्रोसेस। तो ये एक जो मेन क्रक्स है इस चैप्टर के अंदर वो लेक्चर्स में सुना था तो वो आपके साथ में शेयर किया। हरे कृष्णा।